ज़्यादा रोड के दोनों साइड अतिक्रमण किया गया था। तारमंगला चौराहा से लेकर थाना चौक का जो चौराहा है वहाँ तक हम लोग स्पेसिफिक वे में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात में बहुत परेशानी हो रही थी, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जा रही थी। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ यह अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। रोहतास में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। जी हाँ, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर हैं और इसी क्रम में आज रोहतास में उनका कार्यक्रम है। लेकिन इससे ठीक पहले रविवार को जितने भी अवैध अतिक्रमण थे वो हटा दिए गए। जी हाँ, 50 से अधिक छोटे छोटे दुकानों को बुलडोजर चला करके हटाया गया है। रास्ते को एकदम चकाचक कर दिया गया है, एक्टिव मोड में प्रशासन नजर आ रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है और जितने भी अवैध अतिक्रमण जो सड़क पर थे उन्हें हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर CEO अनामिका का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली तार बंगला चौराहा से लेकर थाना चौक गोलंबर तक बहुत ज़्यादा रोड के दोनों साइड अतिक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से यातायात में बहुत परेशानी हो रही थी, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जा रही थी। और इतना ही नहीं, बालू से रिलेटेड इलीगल थिंग्स, इसके अलावा लीकर से रिलेटेड, इनफैक्ट की हर तरह की गलत सूचना आ रही थी इस एरिया में। तो प्रशासन के हर एक विभाग जो इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं, सब लोगों की यह एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ यह अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। किन किन इलाकों में चलाया गया अभियान है? यह अभी तारमंगला चौराहा से लेकर थाना चौक का जो चौराहा है वहाँ तक हम लोग स्पेसिफिक वे में काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसे बहुत ही इंटेंस वे में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए एरिया वाइज डिवाइड करके कर रहे हैं ताकि काम की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।